Okay, Jay, next we are going to start equally likely events. Equally likely events वो events होते हैं जिनकी chance of occurrence बिल्कुल same होती है. For example, इस तरह है कि अगर आप एक coin toss करते हैं तो the probability of head is exactly equal to the probability of tail. दोनों के chances बिल्कुल बराबर हैं. या इसके अलावा अगर आप लूडो खेलते हैं और आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो जितनी प्रोबेबिलिटी 1 की है उतनी प्रोबेबिलिटी 6 की भी है और उतनी प्रोबेबिलिटी बाकी डॉट्स के भी है, जिस तरह 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? दोज इवेंट्स विच हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस. सो इक्वली लाइकली इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉस ए कॉइन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज एज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड is equal to the probability of tail and this is equal to 1 over 2. Dono ki chance kitna hai? 1 over 2. Similarly, if we throw a dice, to agar hum ek dice throw karte hain, if we throw a dice, then the probability of getting a 1 is equal to the probability of getting a 2 is equal to the probability of getting a 3 is equal to the up to so on probability of getting 6. सबकी प्रोबेबिलिटी है कितनी है? दिस इज 1/6. सो दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स. नेक्स्ट टूल दैट वी वांट टू डिस्कस इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. राइट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. वेल, हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, सपोज करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? प्लेट इन बी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आर बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम. तो देख लें परमुटेशन क्या है. परमुटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है, इट इज एन एक्ट ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, या द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ये हमारे पास है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, एक आपके पास है 1, एक आपके पास 2, एक है 3. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है. अगर आप इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर लें, फॉर एग्जांपल एक हम ये कर सकते हैं कि 2, 1, 3, एक ये कर सकते हैं कि 2, 3, 1, एक ये कर सकते हैं कि 3, 1, 2, एक ये कर सकते हैं कि 3, 2, 1. तो अब इसको देख लीजिए, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं. ठीक है ना, तो जब आप अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट सेम है, आप इसको डिफरेंट तरतीब में रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे परमुटेशन हैं. ये एक परमुटेशन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. ठीक है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट्स आप ये बात याद रखें कि इसमें सेम चीज नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन आप ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि इसमें टू टू टाइम्स हो या 3 टाइम्स हो या 1 या 3, रिपीटेशन नहीं होने, ना कम्बिनेशन में अलाउड है ना परमुटेशन में अलाउड है. ठीक है, लेकिन ये क्या है, दिस इज एन एक्ट ऑफ अरेंजमेंट्स. ये हमारे पास परमुटेशन हो, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये हमारे पास 5 परमुटेशन है, इन पांच डिफरेंट ऑर्डर है आप ऑब्जेक्ट्स का. परमुटेशन क्या है, ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, 5 डिफरेंट परमुटेशन. अच्छा देख लें, लेकिन अगर आप इसको देख लें तो इसमें ऑब्जेक्ट सेम है. इसमें क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स सेम है, ऑर्डर कॉम्बिनेशन में मैटर बिल्कुल भी नहीं करता. तो ये सब अगर आप इसमें देख लें, इन सब में 1, 2, 3 है, व्हेन डिफरेंट ऑर्डर्स.
तो आप ये सिंगल हमारे पास क्या है, वन कॉम्बिनेशन है, वन कॉम्बिनेशन है, और हमारे पास ये कितने परमुटेशन है, फाइव। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वे ऑफ सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। आपकी मर्जी कि आपने इसमें सेलेक्ट करना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो कोई भी आप इसमें चीज प्रोसीजर या अरेंज एक अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो ये सारा एक ही कॉम्बिनेशन कंसिडर होगा। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन में चूंकि नाम है ऑर्डर का तो इसलिए इसमें ऑर्डर मैटर करते हैं। मजीद ये कि ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अगर इसमें से एक भी चीज रिपीट हो जाए, वन या टू या थ्री, तो ना कॉम्बिनेशन कंसिडर होगा और ना ही परम्यूटेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी बात जो है वो ये है, इसमें थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लूं कि इसमें वन कॉम्बिनेशन है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लूं, वन कॉम्बिनेशन इसमें सिंगल कॉम्बिनेशन है। और इसमें फाइव परमुटेशन है, परमुटेशन को मैं ठीक कर लूं, परमुटेशन तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखें तो हर एक ऑर्डर एक सेपरेट आपके पास परमुटेशन कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये हमारे पास एलिमेंट सेम है और आप किसी भी ऑर्डर में रखें लेकिन उस एक ही हमारे पास कॉम्बिनेशन कंसिडर होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है ये सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट्स को देखता है, ये आपके ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं देखता। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है फाइव परमुटेशन सही सारे। अच्छा, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइंड हो और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट अ टेकन एट अ टाइम ये भी डिफाइंड हो, तो आपके पास पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। परम्यूटेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो परम्यूटेशन के लिए यूज होता है फार्मूला NCR, ये फार्मूला यूज होता है, विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। और अगर आपके पास आप कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना चाहें कॉम्बिनेशंस, तो आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट होंगे, NCR, ये NPR है, I'm sorry, ये मैंने गलत लिखा है, ये हमारे पास ये NPR है, NPR। ठीक है। और कॉम्बिनेशन में NCR या इसके लिए इसको इस तरह भी लिखते हैं, NCR, ये दोनों सेम, ये नोटेशन बिल्कुल सेम है। एंड दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फैक्टोरियल का मतलब है अगर आपके पास फोर फैक्टोरियल है तो ये बराबर, इस एक्सपेंशन इस तरह होती है कि फोर इंटू थ्री इंटू इंटू टू इंटू वन, वन तक आपने इसको मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर में एक्सपेंड करना है। अगर आपके पास 10 फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरीके से आप इसकी एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है। अगर आप एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लें इसमें, फॉर एग्जाम्पल एफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम इज इक्वल टू 3, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल परम्यूटेशंस यानी अरेंजमेंट्स एंड व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इन द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 7 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो परम्यूटेशंस कितने होंगे, परम्यूटेशंस हमारे पास होंगे NPR, NPR परम्यूटेशंस होंगे आपके पास, या 7P3 परम्यूटेशंस होंगे, क्योंकि फार्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो इसलिए एन चूंकि 7 है, 7 फैक्टोरियल, और 7 माइनस आर हमारे पास 3 है, तो ये फैक्टोरियल, यही हमारे पास हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, यानी 6
7 × 6 × 5 × 4 पिक्टोरियल तक ले आए इसको, और नीचे ऑलरेडी आपके पास है 4 पिक्टोरियल। तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर दें, या आप इसको 1 तक एक्सपेंड कर लें, 4 × 3 × 2 × 1, फिर ये भी एक्सपेंड होगा 4 × 3 × 2 × 1, फिर 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, और 4 4 के साथ। तो वाई नॉट के इजिली जान जोड़ाए 4 पिक्टोरियल 4 पिक्टोरियल के साथ कैंसिल कर दें, और आपके पास पॉसिबल परमुटेशन बनेंगे 2 10। 2 10 आपके पास पॉसिबल परमुटेशंस बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स जो है वो 7 हो, और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेक करने टाइम यानी आर आपके पास 3 है, और आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना चाहें, कॉम्बिनेशंस, ठीक है? तो कॉम्बिनेशंस आपके पास NCR, ठीक है, या N choose R, ठीक है? तो देखें, एन हमारे पास है, ये इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 7 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 तक ले आए। 4 तक क्यों? ये 3 फैक्टोरियल एक्सपेंड कर ले, 3 × 2 × 1 और इंटू 4 तक ही इसलिए मैं ले आया हूँ क्योंकि इसमें भी 4 आता है। 7 − 3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आपके पास रहता है 7 × 6 × 5, नीचे आपके पास इससे भी 6 आ जाता है, 1 × 2 2, 2 × 3 6, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 35। एक बात याद रखें कि फॉर द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट टाइम आर, परमुटेशन हमेशा ज्यादा होते हैं कॉम्बिनेशन से। उसकी रीजन ये होती है कि उसकी सिर्फ अरेंजमेंट्स हैं। 7 ऑब्जेक्ट्स से अगर आप 3 3 उसकी बंडल्स बना लें, अरेंजमेंट्स बना लें, तो आपके पास 210 अरेंजमेंट्स बनेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देते हैं और नंबर ऑफ परमुटेशन बढ़ता जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये आपके पास, इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, चाहे 3 ऑब्जेक्ट्स आप किसी भी ऑर्डर में लगाएं वो एक ही कॉम्बिनेशन कंसिडर होता है। तो इसलिए हमेशा आपके पास जो है कॉम्बिनेशन कम आते हैं और परमुटेशन ज्यादा आते हैं, ठीक है? मैं उन लोगों की असाइनमेंट दे देता हूँ, ये आप खुद कर लें कि फॉर एग्जाम्पल एफ एन इज इक्वल टू 10 एंड आर इज इक्वल टू 4, फाइंड एन पी आर ये कैलकुलेट कर लें एंड फाइंड एन सी आर ये भी आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है? और ताकि पता चले कि अगर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स 10 हैं और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट टाइम आपके पास है 4, तो आपके पास अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे एंड नंबर ऑफ वेज थ्रू विच वी चूज 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, यानी नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। परमुटेशन क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है या नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। कॉम्बिनेशन क्या है? ये नंबर ऑफ वेज, ठीक है? तो ये कैलकुलेट कर लेके कितने कैलकुलेट होंगे, जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल है उसको उसी तरह फॉलो कर लें। अच्छा, ये जब आप नंबर फाइंड आउट करते हैं तो आप जो है प्रैक्टिकली किस तरह सामने लाएंगे कि ये आपके पास कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास परमुटेशन है। इसको प्रॉपरली समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल इस तरह है कि लेट एफ एन इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 2, तो एन पी आर परमुटेशन हमारे पास ये है कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 − 2 होल फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास है इज इक्वल टू 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 6 − 2 से भी क्या आता है 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास है 30 परमुटेशंस। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे एन सी आर विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 − 2 होल फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू 6 × 5 ×
फोर फैक्टोरियल, ये टू फैक्टोरियल बराबर है टू इंटू वन, और ये आपके पास आता है फोर फैक्टोरियल, इन दोनों को कैंसिल करते हैं, दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको प्रॉपरली हम ये 30 हमारे पास परमुटेशन किस तरह होंगे और कम्बिनेशन किस तरह होंगे, इसके लिए हम प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को इलाबोरेट करते हैं। इसको प्रॉपरली इलाबोरेट करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि लेट टू डाइसेस आर थ्रोन, हमने टू डाइस थ्रो किए हैं। ठीक है, ओके, अगर आप टू डाइस थ्रो करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम इन द सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। ठीक है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस ये हमारे पास कितना होगा? नंबर ऑफ साइड्स टू द पावर नंबर ऑफ डाइसेस, दिस इज 6 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 36 आउटकम्स होंगे। अच्छा, आप देख लें, अगर आप ये सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसमें क्वाइट इजीली आप परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट डाइस है जिसमें आपके पास है 1 2 3 4 5 और 6, ये सेकंड डाइस है 1 2 3 4 5 और 6, 101 102 103 104 105 106, फिर 21 22 23 24 25 26, फिर 31 32 33 34 35 36, 41 42 43 44 45 46, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5.6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो अच्छा, इसमें हम अब देखें इस पूरे टेबल में आपके पास n कितना है? 6, क्योंकि इसमें 1 से कम वैल्यू नहीं है और 6 से ज्यादा वैल्यू नहीं है, और हर एक बंडल में आप देख लें सिर्फ दो दो वैल्यूज हैं, तो r इज इक्वल टू 2। तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, अगर n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2, तो पॉसिबल परमुटेशन हमारे पास 30 होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास 15 होंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अगर रिपीटेशन आ जाए तो ना तो परमुटेशन होते हैं ना कॉम्बिनेशन, तो देखिए इसमें रिपीटेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6, ना तो ये परमुटेशन है आपके पास ना ही कॉम्बिनेशन, तो वी आर इग्नोरिंग दिस। अब देख लें, आपके पास दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक अपर ट्राइंगल है जो कि ये है, ठीक है, एक लोअर ट्राइंगल है जो कि आपके पास ये है। अच्छा, अब आप इसमें देख लें तो ये 6 आइटम हमने 36 में से हटा लिए, 1 2 3 4 5 6, अगर आप 36 में से 6 हटा लें तो कितना बनता है? आपके पास 30 रह जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसमें दो बातें हैं, एक ये है कि नंबर ऑफ वेज भी आप इसमें नजर आ जाएंगे और नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी आपको इसमें नजर आ जाएंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट डबल है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वेज, क्योंकि नंबर ऑफ अरेंजमेंट को देख लें, 1 2 और 2 1, अब देख लें 1 ओवर 2 सेम चीजें हैं, 1 ओवर 2 इसमें भी है और 1 ओवर 2 इसमें भी है, 1 ओवर 2 ये एक ही वे है, दिस वन वे, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, कम्बिनेशन एक है, लेकिन ये परमुटेशन दो है, क्योंकि परमुटेशन में अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ऑर्डर में पेश करते हैं तो ये डिफरेंट परमुटेशन कंसिडर होते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन यूज करें तो ये आपके पास सिर्फ एक ही आपके पास कॉम्बिनेशन है, इस तरह 1 3 3 1, तो ये कि ये दो आपके पास दो परमुटेशन हैं,
लेकिन कम्बिनेशन वन है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि परम्यूटेशन में आपके पास अगर ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसके अंदर चेंज करते जाएं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बढ़ता जाता है। लेकिन आप उसको किसी भी, चाहे उसका 100 डिफरेंट ऑर्डर भी बन जाए, वो आपके पास सिंगल कम्बिनेशन कंसिडर होता है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ दो पॉसिबल अरेंजमेंट बनते हैं, दो पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, 1 2 और 2 1। इसके अलावा कोई ऑर्डर, कोई और ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ दो पॉसिबल है, तो आपके पास सिर्फ दो परमोटेशंस हैं। इस तरह 1 3 और 3 1, ये देखिए इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये कि ये अपर ट्राइंगल नीचे एग्जैक्ट करता है पूरे का पूरा, जिस तरह गोरा 5 6 6 5, 6 4 4 6, 4 5 5 4, 6 3 3 6, 3 5 5 3, ठीक है, 6 2 2 6। तो ये अपर ट्रायंगल जो है ये पूरे का पूरा नीचे भी पड़ा है, यहाँ पे आप देख लें, लेकिन वह डिफरेंट ऑर्डर, ऑर्डर डिफरेंट है। तो परमुटेशन ये भी परमुटेशन है, प्लस इसको भी ऐड कराना होगा, क्योंकि दो के इनमें सेम सेम एलिमेंट्स है, 1 4 और 4 1, लेकिन चूंकि ऑर्डर डिफरेंट है तो इसलिए 15 प्लस 15 यू गेट 30 परमुटेशन। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है, अगर आपके पास N6 है, R2 है, तो परमुटेशन टोटल कितने बनते हैं, 30। ठीक है, अब देख ले, चूंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये और एक कॉम्बिनेशन होता होगा, 1 3 3 1 एक कॉम्बिनेशन होगा, 2 3 और 2 3 2 एक कॉम्बिनेशन होगा, 1 4 4 1, 4 2 2 4, 3 4 4 3। तो देखें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है, तो इसलिए सिर्फ एक ही ट्रायंगल आपका कॉम्बिनेशन कंसिडर होगा। और आपको पता है कि एक ही ट्रायंगल में आपके पास कितने कॉम्बिनेशन है, 15। तो इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है ये आपके पास है 15, लेकिन पॉसिबल परम्यूटेशन आपके पास कितने हैं, 30। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को समझ आ गया है कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। आई रिपीटेड, देखिए सुनिए, अगर आपके पास इन ऑब्जेक्ट्स हैं और आर ऑब्जेक्ट्स, ये बंडल है असल में, आर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या चीज है, अगर आप डिफरेंट ऑर्डर बना सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट्स की, तो जितने आप ऑर्डर बनाएंगे उतने ही परम्यूटेशन कंसिडर होंगे। बात समझ में आ रही है ना, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में एग्जाम्पल दी थी, अगर आपके पास 1 2 3 है, तो 1 2 3 को आप 5 डिफरेंट ऑर्डर में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये 5 आपके पास 5 परम्यूटेशन हो गए हैं। लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो सिर्फ एलिमेंट्स को देखता है, तो इसलिए 5 के 5 एक ही कॉम्बिनेशन कंसिडर होगी। बिल्कुल सेम लॉजिक अप्लाइज हेयर, ये देख लें, इसमें ये जो है, ये सारे ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल, इसमें दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नीचे लाई करता है वह डिफरेंट ऑर्डर। तो परम्यूटेशन की अगर आप बात कर लें तो इसमें सिर्फ 15, कॉम्बिनेशन की अगर आप बात कर लें तो इसमें सिर्फ 15 कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन परम्यूटेशन की अगर आप बात कर लें तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये हमारे पास डिफरेंट परम्यूटेशन हैं। ये एक परम्यूटेशन है, ये दूसरा परम्यूटेशन है, ये एक परम्यूटेशन है, ये दूसरा परम्यूटेशन, ये एक परम्यूटेशन, ये दूसरा परम्यूटेशन, तो ये 15 एक परम्यूटेशन और ये 15 दूसरा परम्यूटेशन। तो 15 प्लस 15 आपके पास टोटल परम्यूटेशन कितने बनते हैं, 30। और कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये दोनों एक सिंगल चीज कंसिडर होती है, क्योंकि इस मैटर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में, तो आपके पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो होंगे 15, और परम्यूटेशन कितने होंगे, आपके पास होंगे 30। ठीक है, चलिए आप ये देख लें, समझिए, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज कर लें, ये भी देख लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इंटरनेट का इश्यू होता है, तो इसलिए मैंने एडवांस में लेक्चर ले लिया है। अगर आपके इश्यूज होंगे तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।